हैदराबाद में अधिवक्ता परिषद का 29वां स्थापना दिवस मनाया गया, जिसमें परिषद के उद्देश्य, कार्य एवं महत्व पर प्रकाश डालते हुए राष्ट्र हितों के संरक्षण, न्याय व्यवस्था में दृढ़ता, समाज के व्यवस्थित करने को बताया गया। फिरोजाबाद प्रभारी जिला जज महेश नोटियाल ने मुख्य अतिथि के रूप में संबोधन में कहा कि आज के दौर में पुरानी संस्कृति को भूलकर बड़ों का आदर सम्मान करना भूल गए हैं। उन्होंने अधिवक्ताओं से कहा कि वादकारी के आने पर कोई कार्रवाई करने से पूर्व उन्हें समझाकर समझौता करने का प्रयास करें। उन्होंने मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य का जिक्र करते हुए कहा कि हमारा समाज के टूटने से देश टूटेगा। जितना भी गिरावट इस समाज में हो रही है, जितने भी हमारे परिवार न्याय के मामले बढ़ रहे हैं, तो शायद ये उसका परिणाम है। अगर हमारे जनरेशन, हमारे छोटे भाई लोग, हमारे समकालीन अपने बड़ों का आदर, उनकी बातों सम्मान रखें, तो संभवतः कुछ हद तक बातें कम हो सकती हैं। लेकिन आज इसको बर्दाश्त नहीं है, और इसका सिर्फ एक रीजन, सिर्फ एक कारण ये भी है कि हम लोग वेस्टर्न साइड में चले जा रहे हैं, उस संस्कृति को अडॉप्ट करते चले जा रहे हैं, अपनी संस्कृति को छोड़ते चले जा रहे हैं। ये एक कारण, और ये हमारा पहला दायित्व था अधिवक्ता का कि हमें समाज सेवा करनी है। लेकिन मैं मेरी बात का पूरा मत मानिएगा, मेरे सामने उदाहरण भी हैं, सभी लोग जानते हैं। सोचिए, जब क्लाइंट आपके पास आता है, तो जो पहली एथिक्स ऑफ एडवोकेट है, चाहे वो अधिवक्ता परिषद की हो और चाहे सामान्य अधिवक्ता की हो, कि हम उसको समझाएं तुम क्या करने आ रहे हो, कैसे तुम्हारा निपटारा घर में हो सकता है। न केवल इतना, बल्कि हमें जो हमारे पास आ रहा है उसकी स्वतंत्रता, उसका फ्रीडम, उसकी लिबर्टी, हमें दोनों को ध्यान देना है। हमें उसके फंडामेंटल राइट को भी ध्यान देना है, इसके बेसिक अधिकार क्या है, इसके मूल अधिकार हैं क्या। लेकिन कभी कभी हम लोग उन बातों को थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं, उसको ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये सभी अधिवक्ता को दायित्व है कि हमारी यूनिटी एक रहे, हमारा समाज टूटे ना, हमारा देश ना टूटे। समाज नहीं टूटेगा, देश टूटेगा, समाज का देश टूटेगा। ध्यान रखिए, आपको हमेशा हम लोग बट रहे किस चीज में है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जात, धर्म, हम लोग बट रहे बटे हैं। और मैं सच्ची बात कहता हूँ, आप लाख कहें धन्यवाद विश्वास नहीं करते, लेकिन पूरा हिंदुस्तान जातवाद के देश है आज भी। इसके परिणाम देखने को मिलते हैं, और यही वजह है कि हम लोग इस स्तर में आके, इस 21वीं सदी आके, जो तरक्की हमें करनी चाहिए वो तरक्की हमने